नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए एक खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवीपीवीटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे जीओवीपीवीटी यूट्यूब चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज शुरू होने वाले मैट्रिक परीक्षा में इन बातों का रखें खास ध्यान। सोमवार यानी कि आज से शुरू होने वाले मैट्रिक की परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इस बार पूरी सख्ती से परीक्षा ली जाएगी। वहीं परीक्षार्थियों को जूता पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान शिक्षक के भी मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है। वहीं छात्रों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहले आने की भी अपील की गई है। राजधानी में लगने लगे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना, बिहार सरकार ने सभी घरों में साधारण मीटर के जगह पर प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए विद्युत कंपनी ने 60,000 स्मार्ट मीटर मंगा लिए हैं। जल्द ही 6,00,000 और मीटरों को मंगवाने का काम पूरा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के सभी 1.57 करोड़ उपभोक्ताओं के घरों में इसे लगवाया जाएगा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली रिक्तियां। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए 1054 पदों पर रिक्तियों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर 4 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। परियोजना प्रबंधन के पद पर अब होगी सीधी नियुक्ति। बीपीएससी उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधक के 69 पदों पर सीधी नियुक्ति कराने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत उपयुक्त उम्मीदवारों से 17 फरवरी से 2 मार्च तक बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करने की मांग की गई है। और साथ ही आवेदन भरने से पहले सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। अंडर 19 में शामिल हुई शिवान की 4 बेटियां। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में आयोजित होने वाले अंडर 19 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार राज्य के शिवान जिले की 4 बेटियों का एक साथ चयन किया गया है। इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता में बिहार टीम की कप्तानी भी शिवान की ही बेटी कर रही है, जिसमें वैदेही, श्रुति गुप्ता, आर्या सेठ, साक्षी जायसवाल का नाम शामिल है। वहीं इन चारों खिलाड़ियों के चयन से इन सभी के घर वालों में खुशी की लहर दौड़ रही है। अगले 2 महीने में पटना को स्मार्ट शहर बनाने का काम होगा पूरा। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की रफ्तार में अब तेजी आने वाली है। मार्च महीने तक पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2 बड़े तोहफे मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत अदालतगंज तालाब पटना शहर को दिया जाएगा और साथ ही साथ फरवरी के अंत तक गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन लगवाया जा सकता है, जिसके लिए राज्य सरकार ने राशि आवंटित कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब जल्द से जल्द ये दोनों परियोजनाएं पटना में लागू हो जाएंगी। केरल में बिहार की इस बेटी ने फहराया अपना परचम। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और इसी का प्रमाण दिया है बिहार के एक छोटे से गांव की 26 साल की रोमिया काथुर ने। रोमिया काथुर ने हाल ही में मलयालम भाषा में आयोजित साक्षरता परीक्षा में पूरे 100 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। आपको बताते चले कि केरल में मलयालम सिखाने के लिए साक्षरता परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि केरल राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण आयोजित करता है। CAA और NRC के खिलाफ एक बार फिर गांधी मैदान में बैठे विपक्षी दल CAA और NRC को लेकर के विरोध थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से राजधानी पटना में विपक्षी दलों ने CAA के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला लिया था, जिसके तहत यह सभी दल बीते दिन रविवार को गांधी मैदान में अपनी मांग को लेकर बैठे थे, जहां पर विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं को भी देखा गया, जिसमें जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उदय नारायण चौधरी का नाम शामिल है। अगले 2 हफ्तों में SBI कार्ड धारकों का बंद हो सकता है खाता। अगर आप भी SBI कार्ड होल्डर हैं, तो आने वाले 2 हफ्तों में आपका कार्ड भी बंद हो सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने बैंक खाते का KYC जरूर करवा लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को SMS भेजकर कहा है कि 28 फरवरी 2020 तक अपना KYC पूरा करा लें। आपको बताते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक खातों के लिए KYC को जरूरी बना दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने रथ पर उठ रहे सवालों पर दिया जवाब। कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले बेरोजगारी हटाओ यात्रा में इस्तेमाल की जाने वाली बस पर उठ रहे सवालों पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, जिसके तहत उन्होंने जदयू के सवालों के जवाब देते हुए यह कहा है कि विपक्षी दल केवल उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। हमारी पार्टी ने यह बस किराए पर ली है। राज्य सरकार को ऐसी बातों का मुद्दा बनाने के बजाय असल मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बताते चले कुछ दिनों पहले जदयू के एक मंत्री ने राजद पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बस के मालिक का नाम और दिए गए नंबर पर सवाल उठाया था।
सभी जिलों के डीएम की गाड़ी खरीदने की कीमत हुई तय। बिहार सरकार ने जिले के सभी डीएम की गाड़ी खरीदने की कीमत तय कर दी है, जिससे कि अब सभी डीएम 18 लाख से अधिक कीमत की गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने सभी स्तर के अधिकारियों के लिए गाड़ी की खरीद के लिए अधिकतम कीमत तय कर दी है। वित्त विभाग के सचिव राहुल सिन्हा ने सभी विभागों के प्रमुख को विभिन्न स्तरों के लोक सेवकों और पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहनों की खरीद हेतु खर्च की अधिकतम सीमा तय किए जाने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार की सूरत बदलने का किया दावा। बिहार में विकास को गति पर लाने के लिए राज्य सरकार दिन रात कड़ी मेहनत करती नजर आ रही है। इसी क्रम में बिहार में विकास के लिए राज्य सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के संवेदकों का रजिस्ट्रेशन कराने जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्य सचिवालय सभागार में बजट पूर्व आयोजित बैठक में इस बात की जानकारी दी है। साथ ही निर्माण कार्यों पर 31,600 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। 20 फरवरी से शुरू होने वाले CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत परीक्षार्थियों को केवल एडमिट कार्ड और ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही परीक्षार्थियों को अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर और IT कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही CBSE ने सभी छात्रों को समय से पहले आने का आदेश भी जारी किया है। दिल्ली के लिए वॉल्वो बस की सेवा एक बार फिर हुई शुरू। गया से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। गया से दिल्ली के लिए एक बार फिर से वॉल्वो की सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि अब सरकारी बस डिपो से खुलेगी। आपको बताते चले कि कुछ तकनीकी कारणों से गया से दिल्ली वॉल्वो बस की सेवा को रोक दी गई थी, मगर परिवहन विभाग ने एक बार फिर से इन बसों की सुविधाएं शुरू कर दी है। बहुमत से मिली जीत के बाद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में लिया शपथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया है, जहां मौके पर आम नागरिकों के अलावा अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार समेत इस चुनाव में जीते सभी उम्मीदवार भी मौजूद दिखे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के शपथ समारोह में भाजपा के कई नेता भी शामिल दिखे। बिहार भाजपा का दफ्तर बनकर हुआ तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार की बारी है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के तहत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में बिहार भाजपा ने भी बिहार के लगभग 11 जिलों में जिला कार्यालय बनाने का काम पूरा कर लिया है, जिसका उद्घाटन आने वाली 22 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करने वाले हैं। आधा दर्जन ट्रेनों में बढ़ाए जाएंगे स्लीपर और जनरल डिब्बों के कोच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने आधा दर्जन एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोचों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे कि अब मुंगेर और लखीसराय जिले के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। 20 फरवरी से मालदा जमालपुर इंटरसिटी में 4 जनरल क्लास, 21 फरवरी से मालदा आनंद विहार एक्सप्रेस में 1 स्लीपर, मालदा पटना इंटरसिटी में 1 स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है, ऐसे में आई जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे उदय शंकर की। उदय शंकर का जन्म 16 सितंबर 1962 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। उदय शंकर ने दिल्ली में टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। उदय शंकर ने अपने करियर की शुरुआत पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक राजनीतिक संवाददाता के रूप में की थी, जिसके बाद उन्होंने पर्यावरण पत्रिका डाउन टू अर्थ के संपादक के रूप में काम किया। शंकर ने ZTV पर टीवी न्यूज इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बतौर न्यूज प्रोड्यूसर से की थी। इतना ही नहीं, उदय ने ZTV, सहारा 1, आज तक और अंत में स्टार न्यूज में भी काम किया है। वैशाली के बावन पोखर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बावन पोखर के उत्तरी छोर पर बना है बावन पोखर मंदिर। इसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है, साथ ही इस पोखर के बीच में एक जैन मंदिर भी बना है। इस मंदिर में स्थापित भगवान महावीर की मूर्ति इसी पोखर में मिली थी। साथ ही बावन पोखर मंदिर में रखी गई हिंदू देवी देवताओं की कई तस्वीरें भी इस पोखर के निर्माण के दौरान ही मिले थे। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब भाजपा की बिहार पर नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत बिहार प्रदेश भाजपा ने कल यानी कि रविवार को एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज्य के सभी नए जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। खबरों की माने तो नए जिलाध्यक्षों के साथ पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बैठक की, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कार्यकर्ताओं के बाद तेज प्रताप यादव खुद सड़कों पर लगाते दिखे पोस्टर। राजद नेता तेज प्रताप यादव खुद पटना की सड़कों पर पार्टी का पोस्टर लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। देर शाम कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी की सड़कों पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पोस्टर लगाते हुए नजर आए। छोटे भाई को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने के लिए तेज प्रताप यादव ने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का पोस्टर बनवाया है, जिसे उन्होंने कई जगहों पर लगवाया है।
हनुमा विहारी ने टीम में किसी भी पोजीशन पर खेलने का दिखाया जज्बा। भारतीय खिलाड़ी हनुमा विहारी ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मिलती है तो मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। हनुमा विहारी ने अपने डेब्यू टेस्ट को लेकर अब तक अच्छा खेल दिखाया है। उनकी तकनीक काफी बेहतर है और मौका मिलने पर काफी अच्छा खेले। न्यूजीलैंड 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में खेलते हुए हनुमा विहारी ने शानदार शतक जड़ा। क्रिकेट बस की रिपोर्ट के अनुसार पारी की शुरुआत करने के आइडिया के लिए हनुमा विहारी तैयार है। अगर और उन्हें मौका मिलता है तो वो कर सकते हैं। लव आजकल नहीं कर पाई दो दिनों में भी उम्मीद अनुसार कलेक्शन। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की नई फिल्म लव आजकल उम्मीद अनुसार पर्दे पर नहीं परफॉर्म कर पाई है, जिसके तहत अभी दो दिनों में इस फिल्म ने महज 13 करोड़ का कलेक्शन ही किया है। खबरों की माने तो फिल्म रिलीज होने के पहले ही दिन लोगों के आ रहे खराब रिव्यूज की वजह से उनकी कलेक्शन पर असर देखने को मिल रहा है। वहीं वैलेंटाइन डे होने के कारण पहले दिन ठीक ठाक स्टार्ट तो मिल गए, मगर दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की परफॉर्मेंस उम्मीद अनुसार नहीं देखने को मिली। बिहार सरकार के मंत्री ने पीयूष गोयल और खुद से जुड़ी कहानी का किया वर्णन। हाल ही में सुपौल वासियों के लिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सुपौल स्टेशन से रवाना किया था। वहीं इस मौके पर उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यहां से ट्रेन को चालू करवाने के लिए पीयूष गोयल ने कहा था कि यहां रेलवे लाइन बनाने से कोई फायदा नहीं, जिस पर हमने भी उनसे कह दिया था ठीक है सब रेल लाइन मुंबई में बना दीजिए खूब कमाई होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें ब्रजेश तिवारी, योयो जी, सोनू कुमार, एसजीएस एंटरटेनमेंट, बम कुमार, सोनू यादव, अमरेश चौधरी, मोहम्मद शहजाद, अकील। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी से भारतीय टीम की परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ेगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।